मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट इज रेशियो और परसेंटेज मेथड. दिस मेथड वॉज डेवलप्ड अगेन बाय प्रोफेसर मार्शल. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज एरिथमेटिक मेथड. ये सिर्फ लाइन याद रखो कि इसको दूसरा नाम कौन सा है, तो एरिथमेटिक मेथड भी बोला जाता है. यहाँ पर हम मेजर कैसे करते हैं, तो मैं फ्रैक्शन बोलती हूँ, मतलब वो डिवीजन कैसे है वो बोलती हूँ, वो सिर्फ याद रखो. ये याद रखोगे तो इसको बस तुम्हें सेंटेंस में लिखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसी को हम लोगों को शब्दों में कैसे याद रखना है कि प्राइस में कुछ चेंजेस होने के कारण हमारी जो क्वांटिटी हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट चेंज आया. अभी हम लोगों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वी हैव टू फाइंड इट इनटू फाइंड द अमाउंट इन परसेंटेज कि कितना परसेंट फर्क पड़ा है, तो हम लोग को ये मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा. और उसके लिए हम लोगों को इसको पहले क्या करना पड़ता है, एक रेशियो में लिखना पड़ता है. तो दिस इज वॉट इज रेशियो एंड परसेंटेज मेथड कि इसमें हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, तो बस ये याद रखो. इसी को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, तो ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज ट्राइंगल क्यू. ट्राइंगल क्या है, चेंज. परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी, मतलब पी में कितना कुछ चेंजेस होने के कारण क्यू में क्या चेंजेस हुए हैं वो याद रखना है. बस दिस वॉज रेशियो और परसेंटेज मेथड. नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. रेशियो परसेंटेज मेथड क्लियर हुआ दोनों को? हाँ क्लियर है. हाँ बहुत सिंपल. ओके, इसमें सिर्फ एक ही सिर्फ ये याद रखो कि तुम लोगों को फ्रैक्शन क्या याद रखना है, ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सिर्फ प्राइस में कुछ चेंजेस होने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज हुए हैं. बस दिस वॉज रेशियो और परसेंटेज मेथड. नाउ नेक्स्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. दिस मेथड वॉज अगेन डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड. मतलब हमारा खर्चा कुछ प्राइस चेंज होने के पहले और बाद में कितना हो रहा था, उसमें क्या डिफरेंस आया है कि प्राइस चेंज होने से पहले हमारा इतना खर्चा हो रहा था, प्राइस चेंज होने के बाद हमारा इतना खर्चा हुआ है, इसके कंपैरिजन को बोला गया है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. नाम ही है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसलिए वी कैन कीप दिस, वी कैन इजिली मेमोराइज दिस कि हाउ व्हाट वाज आवर एक्सपेंडिचर बिफोर द प्राइस चेंज्ड एंड व्हाट वाज आवर एक्सपेंडिचर आफ्टर द प्राइस वाज चेंज्ड. तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बस याद रखो, मैं हाईलाइट करती हूँ एक बार. टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड. टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ भी खरीदने जाती हूँ बाहर, तो मैंने एक समझो एक पेन लिया और एक किताब ली, तो अभी मुझे पता करना है कि ओके मेरा खर्चा टोटल कितना हुआ है. पेन 10 रुपीज का था और किताब थी 50 रुपीज की, या फिर नहीं यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना. ओके ठीक है, तो समझो मुझे सिर्फ पेन लेना है, ठीक है पेन लेना है, और मैंने 10 पेन लिए हैं, एक पेन है 10 रुपीज का, मैंने 10 पेन लिए हैं, तो मुझे जानना है मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है. तो मैं क्या करूंगी, 10 रुपए का पेन था और क्वांटिटी कितनी थी, 10 पेन, तो 10 × 10 इट इज इक्वल टू 100. आई विल कम टू नो कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 100 रुपीज है. तो ये हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, हम लोग ये हमेशा इम्प्लीमेंट करते हैं, पर एग्जाम के लिए हम लोग को इन वर्ड्स में याद रखना है. तो इसमें क्या है, इस कनेक्शन में है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इन्होंने फिर से तीन डिमांड्स हम लोगों को दी है, प्रोपोजिशंस तीन दिए है. फर्स्ट क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. हम लोगों ने पहले भी देखा था व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तो ई डी इज ग्रेटर देन 1. मतलब क्या, तो व्हेन विथ अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. मतलब कुछ प्राइस में कुछ चेंजेस आने के कारण अगर हमारा टोटल आउटले, उसकी मतलब डिमांड क्या है, डिमांड अचानक से बढ़ जाती है,
प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड बढ़ जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, वन से ग्रेटर होगी, तो इसलिए ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मतलब मैंने लास्ट टाइम बोला था यूनिट मतलब वन, तो ईडी इज इक्वल टू वन। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, प्राइस बढ़ती है या कम होती है, हमारा टोटल आउटले कुछ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। प्राइस में कम होने, प्राइस कम हो जाए या बढ़ जाए, हमारी क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो अगर सेम टू सेम रहती है तो इट बिकम्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इज लेस देन वन। व्हेन विद अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीजेस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। मतलब क्या है, तो हमारी जब कोई प्राइस में कोई चेंजेस हो जाती है और उसके कारण हमारी डिमांड जो है, हम लोग कोई भी चीज की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो कम अगर हो जाती है, तो दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन। मतलब ये इन लोगों ने फिर से हमें एक डायग्राम के थ्रू बताया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन रीड करती हूँ, ठीक है? कि समझो हमारा एग्जाम्पल ए है। इन एग्जाम्पल ए, तीन एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए है, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी और एग्जाम्पल सी। तो एग्जाम्पल ए में क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस इज ₹10 पर यूनिट एंड क्वांटिटी कितनी है 60, तो हमारा टोटल खर्चा क्या होगा, 10 × 6 इज इक्वल टू 60। टोटल खर्चा इतना हो गया, पहले ₹10 थी प्राइस, अभी क्या हो गई है, प्राइस थोड़ी बढ़ गई है, कितनी हो गई, ₹20। तो डिमांड क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो थर्टी जाएगी। हाँ बोलो संजीव थर्टी जी। ना थर्टी थर्टी नहीं, मैंने 30 बोला क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं देखो उन्होंने क्या बोला है कि हमारा ए एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है, वन एग्जाम्पल ऐसे याद रखो। इसमें हमारा यूनिट की प्राइस क्या है, ₹10, और मैं डिमांड कितनी कर रही हूँ, 6 यूनिट्स ले रही हूँ, 6, तो प्राइस कितनी होगी, टोटल हमारा खर्चा 60। हाँ तो 60 खर्चा हो गया, पर उसके बाद वो लोग है ना क्या कर रहे हैं, उसकी प्राइस बढ़ा रहे हैं, 10 से क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, हाँ 20 कर रहे हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, क्योंकि अभी खर्चा मतलब महंगा हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ 5 यूनिट्स को डिमांड करूंगी, तो मेरा एक्सपेंडिचर ट्वेंटी कितना हो जाएगा, हंड्रेड 20 × 5, हंड्रेड 100, वेरी गुड। हंड्रेड हाँ तो इन दिस केस क्या हो गया है, टोटल आउटले मतलब हमारा जो फर्क पड़ा है डिमांड पे, टोटल आउटले इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हेंस इन दिस एग्जाम्पल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। मतलब क्या हो गया है, हमारा पहले से खर्चा बढ़ गया है ना, कि प्राइस इन्होंने बढ़ा दी, तो हमने एक क्वांटिटी कम करने के बाद भी हमारा डिमांड पे बहुत फर्क पड़ा है, कि 60 से डायरेक्ट 100 हो गया हमारा खर्चा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन वन हो रही है ना, ज्यादा हो रही है। सो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी आगे के हम दो एग्जाम्पल्स और देखेंगे ना, तो और क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल बी। इसमें क्या है, ओरिजिनल प्राइस है ₹30 पर यूनिट, ठीक है, और इसकी कितने यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं, 4 यूनिट्स, तो 30 × 4 कितना हो जाएगा, 120। मतलब मेरा टोटल खर्चा हो गया, पहले कितना हो रहा है, 120, फिर प्राइस बढ़ गई, कितनी हो गई, ₹40 कर दी उन्होंने प्राइस, तो ₹40 कर दी, तो इसलिए पहले मैं 4 पेन खरीद रही थी, तो अभी मैं 3 ही पेन खरीद रही हूँ, तो कितना हो वन गया मेरा, हंड्रेड ट्वेंटी फिर से वन वन हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब इसमें कोई चेंजेस आए ही नहीं, पहले भी वन नो, हंड्रेड एंड ट्वेंटी अभी भी 120 है ना। मेरे सामान में कटौती हो गई। मतलब हाँ क्या हो गई, मेरा सामान में कम आया लेकिन पैसा हाँ उतना ही रहा। खर्चा ही वही रहा, क्योंकि हमारा नाम क्या है ये कॉन्सेप्ट का, टोटल एक्सपेंडिचर, इसलिए हम लोग सिर्फ खर्चे के ऊपर ध्यान देंगे कि हमारे खर्चे में क्या फर्क पड़ रहा है, पहले पहले में कितना फर्क पड़ रहा था और अब कितना हो रहा है। तो अभी इसमें क्या हो गया, हमारा टोटल आउटले इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, हेंस इन दिस एग्जाम्पल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, ईडी इज इक्वल टू वन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सिंपल है। अभी इसके आगे एग्जाम्पल सी, ठीक है, अभी सी में क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर है ओरिजिनल प्राइस ₹50 पर यूनिट और डिमांड कितनी है, दो दो यूनिट्स की, तो कितना हो जाएगा हंड्रेड खर्चा, 100, वेरी। हंड्रेड तो अभी इसके बाद इन लोगों ने प्राइस बढ़ा दी, ₹60 कर दी, तो पहले मैं 2 पेन ले रही थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ नहीं, अभी मैं 1 ही पेन लूंगी, तो मेरा टोटल सिक्सटी खर्चा कितना, 60 ही होगा, राइट, वेरी गुड।
तो इन दिस केस टोटल आउटले, मतलब अभी हमारा जो टोटल फर्क पड़ा है एक्सपेंडिचर पे, इट इज लेस देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. ओरिजिनली मेरा एक्सपेंडिचर 100 रुपए हो रहा था, पर प्राइस बढ़ने के बाद उसमें कम हो गया है ना, 60 रुपीज हो गया है. तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो बढ़ गया था, 60 से 100 हो गया था. सेकेंड में हमने देखा कि 120 120 ही रहा. और थर्ड में हमने देखा कि हमारा खर्चा कम हो गया है 60 रुपीज से, मतलब पहले 100 था पर फिर अभी 60 हो गया है. तो इन दिस केस टोटल आउटले इज लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर. पहले के एक्सपेंडिचर से हमारा अभी का आउटले कम हो गया है. तो दिस दस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन. यहाँ पर क्या है, लेस देन वन है. पहले ग्रेटर देन वन था, फिर इक्वल टू वन था, अभी लेस देन वन है. दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. क्लियर है? ये तीन टाइप्स यही हाँ थे, यही थे ये तीन एग्जाम्पल. सो दिस वॉज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर पे, हमारे खर्चे के ऊपर ध्यान देते हैं. कभी का इसका खर्चा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसमें है ना, एक मिनट मुझे देखने दो कि तुम्हें कोई दिया है क्या. एक मिनट. जैसे उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनमें से कोई भी एक पर सवाल पूछा जा सकता है. अभी उन्होंने समझो पीछे बोला है कि टोटल आउटले है, तो रेशियो परसेंटेज है. एक मिनट. अब तो मे बी, एक मिनट, तो कोई भी एक इस पर ही सवाल पूछेंगे वो. जैसे रेशियो परसेंटेज तो काफी छोटा है, तो फिर उसके ऊपर नहीं पूछा जा सकता है. मे बी आप इस पर पूछिए, पूछ. हम हल, हाँ आप सवाल पूछे, मैं हल करता हूँ। हाँ तो अभी रेशियो एंड परसेंटेज मेथड हम लोगों ने देख लिया. इसमें क्या था, तो हमारे प्राइस में कुछ चेंज होने के कारण हमारी क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं उस पर कितना फर्क पड़ रहा है. नेक्स्ट वाज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इसमें सवाल कैसे पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है, क्योंकि ये हम लोग सब ये टाइप्स किस में आ रही है, तो प्राइस इलास्टिसिटी में ही आ रही है ना, मेजर करने के, मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नीचे ये सब टाइप्स आ रहे हैं. तो ये ऐसे सवाल पूछ सकते हैं. तो हमारा रेशियो परसेंटेज और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया है. नाउ थर्ड इज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. ठीक है, तो व्हाट इज पॉइंट मेथड एंड जियोमेट्रिक मेथड. तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज नोन एज पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. द रेशियो मेथड एंड आउटले मेथड आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व. अभी उन लोग बोल रहे हैं कि इसके पहले हमने रेशियो मेथड देखा और टोटल आउटले मेथड जो देखा. टोटल एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम है टोटल आउटले. ठीक है, तो टोटल आउटले मेथड में हमने देखा, वो लोग बोल रहे हैं कि उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक पॉइंट पे डिमांड कर्व पे हमें गिनने नहीं आ रही है. हम लोग यहाँ पर डिमांड कर्व का कुछ देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोगों को जियोमेट्रिक मेथड की जरूरत है, पॉइंट मेथड की जरूरत है, जहां पर हम कर्व यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सके. तो मोस्टली ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन. हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं. तो एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला. पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज ईडी, इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ गिवन पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट. मतलब इसको है ना, एक्चुअली यही पार्ट है जो थोड़ा ग्राफ्स के ऊपर है और थोड़ा जियोमेट्रिक है. हम लोग अभी के लिए ये पार्ट थोड़ा स्किप कर दे तो चलेगा, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो. नो प्रॉब्लम। अभी के लिए है ना, कॉन्सेप्ट वाइज तुम है ना ज्यादा ध्यान टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे ही देना है. ठीक है, क्योंकि रेशियो परसेंटेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं पूछ सकते ज्यादा, मुझे नहीं लगता है उसके चांसेस है. टोटल एक्सपेंडिचर आ सकता है, जो हमने देखा ना कि एक्सपेंडिचर प्राइस बढ़ने के पहले कितना हो रहा था, बाद में कितना हो रहा था, ये एग्जाम में आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हाँ. तो ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ना, मैं अभी के लिए इसको मैं अपने नोटबुक में लिखती हूँ कि वी हैवेंट कवर्ड दिस. एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर मैं ये आपको अलग से बताऊँ. हम इसको अपना स्पेशल ज्यादा अटेंशन मत देना ये इसको, क्योंकि हमारे पास दूसरी भी चीजें हैं जो हम लोग अच्छी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं और वो एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. तो मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोगों ने, एक मिनट, हाँ
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे फर्क पड़ता है? तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. पहले मैं सबके नाम ही ले लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थर्ड इज नंबर ऑफ यूजेस, फोर्थ इज हैबिट्स, फिफ्थ इज ड्यूरेबिलिटी, सिक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेवेंथ इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, एट्थ इज अर्जेंसी ऑफ नीड्स, नाइन्थ इज टाइम पीरियड. ठीक है, अभी एक एक का एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. तो हम लोग ने ये पहले से ही देखा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कमोडिटी, इज वेरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कमोडिटी, एंड टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन वी कम टू नो कि वो नेसेसरी है, कंफर्ट गुड है या लग्जरी गुड्स है. तो नेसेसरी जो चीजें हैं, डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स, क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है. एंड फॉर कम्फर्ट्स लाइक लग्जरी गुड्स, कार्स, परफ्यूम्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक. अभी हम लोगों को इसके बाद हम लोग जो कुछ भी देखेंगे उसमें देखना है कि इन इलास्टिक और इलास्टिक में चीजों को डिवाइड करके सीखनी है. तो नेसेसरी जो चीजें होती है उसकी प्राइस में तुम कितने भी कोई चेंजेस कर लो, हम लोगों को वो नेसेसिटी है, हम लोगों को वो बाय करनी ही पड़ेगी. इसलिए जो ऐसी जरूरतें होती है इनको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक. ये याद रखना, ठीक है, इन इलास्टिक. एंड जो जिनके जो लग्जरी नेसेसरी लाइक दवा वगैरह ना। हाँ, उन्होंने बोला है ना, फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स, इनके लिए डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, ऐसे याद रखो, ठीक है. पर ओके लग्जरी गुड्स है उनके लिए क्या होगी, डिमांड इलास्टिक होगी, ठीक है. यस यस नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब वो चीज हम लोग जो कमोडिटी बाय कर रहे हैं उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, दूसरा दूसरा सब्स्टिट्यूट है क्या कि उसको हम बाय कर सकते हैं. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. मतलब लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लोग इलास्टिक, मतलब उसकी डिमांड इलास्टिक होगी. अगर शुगर की जगह पर जैगरी है और शुगर की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग टेंशन नहीं लेंगे, लोग जाकर जैगरी खरीद लेंगे, है ना. तो वो लोग जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा के अगर लेमन जूस की प्राइस बढ़ गई है तो मुझे पता है कि शुगर केन जूस है तो मैं उसको जाकर पी लूंगी. तो डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, इलास्टिक होती है, कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक सॉल्ट विल बी इन इलास्टिक. इन इलास्टिक मतलब उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, लोगों को वो चीज की जरूरत पड़ेगी ही. ये हमेशा याद रखो, इन इलास्टिक मतलब उसकी प्राइस में कोई भी चेंजेस करो उसको लोग खरीदेंगे ही. अभी सॉल्ट की जगह कोई है ही नहीं ना सब्स्टिट्यूट, कि मैं बोल नहीं सकती ओके आई विल बाय शुगर एंड आई विल पुट इट इन माई फूड, उससे खाना टेस्टी बन जाएगा. नहीं, सॉल्ट की जगह कोई नहीं ले सकता, उसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. तो इसलिए क्या होगी, ये सेंटेंस बहुत याद रखना, ये हमेशा आता है बोर्ड्स में, क्योंकि कि डिमांड फॉर सॉल्ट इज व्हाट, इन इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि इसके प्राइस में कितने भी चेंजेस कर दो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लोग उसको बाय करेंगे कि ये इन इलास्टिक है. थर्ड है नंबर ऑफ यूजेस, सिंगल गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जाम्पल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. मतलब जो कोई चीज से अगर मेरा एक ही काम होता है उसकी जगह पर ऑब्वियसली मैं कोई ऐसी चीज को खरीदूंगी जिससे मेरे 10 काम हो सके. तो जिससे एक काम होता है ना, एक काम होता है तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक जैसे ज्यादा. आपने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होगी फिर, इन इलास्टिक, हाँ ठीक है. ये याद रखना है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें मैं अगर गुड कोई बताऊंगी तो तुम कोई भी कमोडिटी बताऊंगी तो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि इसकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ठीक है. तो अभी समझो मैं तुम लोगों को बीच में ही पूछ रही हूँ कि मेडिसिन की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक. इन इलास्टिक, इन ओके. टीवी की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक इलास्टिक होगी. ओके, फूड ग्रेन्स की डिमांड, इलास्टिक हाँ, इलास्टिक है. फूड ग्रेन्स की डिमांड, ना फूड इन इलास्टिक इन इलास्टिक इलास्टिक, ओके. और क्या होता है, मैं भूल गई, एक मिनट. वही लग्जरी गुड समझो, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की क्या होगी डिमांड, प्लास्टिक। इलास्टिक होगी. वेरी गुड, मतलब तुम लोगों को ये समझ में आया, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट है
हैबिट्स, ठीक है? तो जी हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक. अभी कोई चीजें है कि उसकी हम लोग को आदत हो गई है, हैबिट्स हो गई है, तो लाइक उसकी, टी हाँ, तो जैसे एंड अल्कोहल. हाँ एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स, ये सब चीजें हैं, तो इनकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक. इलास्टिक इन इलास्टिक कि इसमें तुम कितने भी बिकॉज दिस इज चेंजेस द कर दो. हैबिट. हाँ, इट इज अ हैबिट. कि मैं नहीं बोलूंगी अरे ड्रग्स की प्राइस बढ़ गई है, अब मैं ड्रग्स नहीं बाय करूंगी, ऐसे नहीं करके चल सकता. जो एडिक्टेड होते हैं वो उसको कोई भी प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कम अक्रॉस क्राइम्स ना, कि लोग क्राइम कमिट करने लग जाते हैं कि पैसे चाहिए, कुछ भी करके दे वॉन्ट टू बाय दोज ड्रग्स, है ना? तो इसलिए इसकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक. नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी. द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, मतलब अच्छी टिकाऊ चीजें, इज रिलेटिवली इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा. डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इन इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल, एक्सेट्रा. मतलब कुछ चीजें हैं जो बहुत टाइम तक टिक सकती है, उसकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है. वेरस कुछ चीजें वो जो बहुत जल्दी फटाक से खराब हो जाती है, तो इससे हम लोग को उसको जल्दी से बाय करना बहुत जरूरी है. जैसे पेरिशेबल है, कि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि दूध दूध दुकान वाले को बोल नहीं सकते 3 दिन के लिए हमारे रख लो, हम लोग 3 दिन बाद आकर बाय करेंगे, नहीं, वो खराब हो जाएगा. तो जो पेरिशेबल गुड्स होती है ना, उसकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है, उसको जल्द से. बहुत जन बोलते हैं ना कि भैया ये साड़ी रखो, मैं हाँ कल आके लेके जाऊंगी. हाँ तो उसकी डिमांड चलो इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं है, वो खराब नहीं होती है ना साड़ी. पर दूध, खाना, ये सब चीजें, हाँ, खराब हो जाते हैं. तो इसलिए इनकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन विथ अदर कॉमोडिटीज टू सेटिस्फाई सिंगल वॉन्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक. मतलब कोई चीज को साथ में अगर हम लोग लेते हैं तो उसकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है. फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स मे लीड टू द राइज इन डिमांड फॉर सिम कार्ड्स. मतलब मोबाइल की प्राइस अगर कम होती है तो लोग सिम कार्ड्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी. तो कोई दो चीजों पे एक साथ फर्क पड़ रहा है ना? तो एक मेरी फोन यूज करने की एक ही नीड है, और उसके लिए मुझे फोन और सिम कार्ड दोनों की जरूरत है. तो इसीलिए जब कोई चार्जिंग डिमांड, वगैरह सबका डिमांड बढ़ जाए, वो हो जाएगा हाँ, डिमांड. तो कोई चीज हम लोग कंजंक्शन में ऐसे साथ में बाय करते हैं तो फिर उसकी डिमांड क्या हो जाती है? इन इलास्टिक हो जाती है, कि हम लोग उसको बाय कर ही लेते हैं. कि सब चलो अभी फोन सस्ता मिल रहा है तो सिम कार्ड पे थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे, दे देंगे, पर खरीद लेते हैं, है ना? तो दिस वाज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ नेक्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर. डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक इफ कंज्यूमर हैज हाई इनकम. मतलब मेरी इनकम इतनी हाई होगी तो आई वोंट केयर अबाउट व्हाट आर द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज, आई विल डायरेक्टली बाय. मतलब इन इलास्टिक होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, है ना? इन इलास्टिक मतलब फर्क नहीं पड़ना. द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एन एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्राइजेस. मतलब प्राइस में कोई चेंजेस होने की वजह से जो एकदम रिच इंसान है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि वो तो कोई भी चीज बाय कर सकता है, और जो एकदम गरीब इंसान है उसको भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो एक दिन के लिए समझो एक ही रोटी अफोर्ड कर सकता है. तो प्राइस में कोई भी चेंजेस तुम लोग लाओ, उसके इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड में, है ना? तो एक्सट्रीम रिच और एक्सट्रीम पुअर के लिए इनकम जो है उनकी, उस हिसाब से डिमांड जो है उनकी क्या रहती है? हमेशा इन इलास्टिक रहती है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अर्जेंसी ऑफ नीड्स. गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. मतलब अर्जेंट चीज है तो उसकी इन इलास्टिक ही होगी डिमांड, की फर्क नहीं पड़ेगा मुझे उसकी प्राइस क्या भी कुछ भी होने दो. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, लग्जरी गुड्स जो कम अर्जेंट है उसकी इलास्टिक हो जाती है फिर से डिमांड. मतलब ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि मैं जो नेसेसिटी है या इमरजेंसी अर्जेंट गुड्स है तो उसके लिए हमेशा डिमांड कैसे होगी? इन इलास्टिक होगी. उसकी प्राइस कितनी भी होने दो, हम लोग बोलेंगे कि कोई भी प्राइस पे दे दो, पर दे दो, ये बहुत अर्जेंट है ना? तो दिस वॉज अर्जेंसी ऑफ नीड्स. नाउ लास्ट इज टाइम पीरियड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम पीरियड ऑफ टाइम. इट वेरीज विथ लेंथ ऑफ टाइम पीरियड. जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा. दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटीज.
मतलब ये टाइम पीरियड का बोल रहे हैं कि जो चीज को ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम तुम दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी वो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि उसके बीच में हमारी जो टेस्ट है, हमारी हैबिट्स है, वो चेंज हो सकती है. तो इसलिए जो चीज को फटाक से बाय करनी है वो इनइलास्टिक होगी. जो चीज को हम लोग बहुत टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मुझे समझो एसी बाय करना है तो अगर मैं रुक जाऊंगी, मुझे समझो एलजी का एसी बाय करना है तो मैं रुकूंगी क्योंकि गर्मियों को आने दो, फिर मैं एसी बाय करूंगी, तो ये क्या हो हाँ, या तो जाएगी. प्राइस कम होने दो, फिर बाय कर हाँ, दूंगा। प्राइस कम होने दो फिर बाय करूंगी, बहुत टाइम के बाद बाय करूंगी, तो फिर ये क्या हो जाएगी, तो ये इलास्टिक हो जाएगी. वेराज इन इलास्टिक मतलब वो मेरे घर पे कोई तो समझो मुझे मिलने के लिए कोई एक्टर आ रहे हैं तो मैं उनको गर्मी में नहीं बैठा सकती हूँ, तो मुझे अर्जेंटली एसी की जरूरत है, तो फिर ये हो जाएगा। कम टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैं कोई भी प्राइस पे उसको बाय करूंगी. तो टाइम पीरियड पे भी फर्क पड़ता है, जितना कम टाइम होगा उतनी इनइलास्टिक होगी डिमांड, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी उतनी इलास्टिक हो जाएगी डिमांड. ठीक है, क्लियर है. ठीक, यस, क्लियर है। सो दिस वाज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन सी चीजों का कैसे कैसे फर्क पड़ता है. टुमारो वील कंप्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, एक मिनट.